ले लो यार, बोतल भी ले लो अपने एक साथ, ठीक है? बोतल भी पियो यार, बोतल भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि चिकन टिक्का कैसे बनाते हैं, चिकन टिक्का मलाई बोटी कैसे बनाते हैं। तो ये हमने ली है चिकन, तो अभी हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या मसाला लगाते हैं, तो देखते रहें वीडियो एंड तक। ये देखें जी, एक चम्मच है अदराड़ मिर्च, जिसे दूड़ा मिर्च भी कहते हैं। तो ये देखें, ये 1.5 किलो मुर्गी है, तो इसमें हम 2 चम्मच दूड़ा मिर्च डाल दी हमने, तो 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च। ये देखें जी, 1 चम्मच काली मिर्च का डाल दिया, तो 1 चम्मच डालेंगे सब्ज़ मिर्च पिसी हुई, तो 1 चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। तो ये है चिकन टिक्का मसाला, तो हम पूरी डिब्बी, ये पूरे डिब्बा जो है ना, ये डाल देंगे चिकन टिक्का, पूरा डिब्बा डालना है आपने, कम नहीं करना 1.5 किलो मुर्गी में। ये देखें जी, ऐसे लगा देंगे हम। तो अभी हम डालेंगे लेमन इसमें, तो ये डाल देंगे 2 लेमन। तो ये 1.5 चम्मच हम डालेंगे नमक का, क्योंकि 1.5 किलो मुर्गी है, अगर 1 किलो मुर्गी हो तो फिर 1 चम्मच आपने डालना है नमक का। ये देखें जी, अभी हम इसे करेंगे मिक्स। ये देखें जी, मसाला इसको लग गया है, तो अगर आपने ज़्यादा इसको करारा बनाना है तो फिर आप 1.5 डिब्बा जो है मसाले का, चिकन टिक्का, वो डाल सकते हैं, उसके साथ ज़्यादा करारा हो जाता है। तो इसको जो मसाला लगा के 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें या वैसे ही रख दें आप, वो रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो मसाला होता है अच्छी तरह मिक्स होता है। तो चले आए, देखते हैं कैसे आगे इसका प्रोसीजर होता है। जी कैसी बनी है भट्टी ये टिक्कों वाली हैं? ऐसे बनाए, ये देखें जी, अभी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा घी लगा देना चाहिए ताकि ना बोटी नरम हो जाती है ऐसे। तो जी अब हो गई हैं तैयार, तो अब हम उतार लेते हैं। ओहो गरम गरम, चलो जी, चलो जी, ये लो जी, उधर चले जाओ, चारपाई पे चले जाओ, चारपाई पे चले जाओ। तो ये आप भी पकड़ लो यार, चलो उधर, शाबाश, ये आप बड़े हो, आप ये ले लो। चलाओ अब्दुल्ला, क्या नाम है तुम्हारा यार? ओ ये ले लो तुम, तुम ही तो मैंने। हाँ जी बिलाल साहब, ठीक है, मज़ेदार है? हाँ जी मज़ेदार है, अच्छी है ना? हाँ जी, कैसा जाएगा? बहुत मज़ेदार। ओ निक्कू पहलवान, ठीक है, तुम भी खा लो, बाजियो बाजियो तुम भी खा लो। बोतल भी ले लो अपने एक साथ, ठीक है, बोतल भी पियो यार, बोतल भी। छोटू को छोटा ग्लास दे दो, जो बड़ा है उसको बड़ा दे दो। ये वही अंगूर हैं जहाँ पे बैठ के बच्चों ने अंगूर खाए थे, अब खा रहे हैं टिक्के, तो अभी फिर किसी दिन इनको खिलाएंगे पिज़्ज़ा बच्चों को।
आज थोड़े से बच्चे कम आए हैं, सीखें ज़्यादा हैं यार। चलो अल्लाह खैर करेगा, कोई और आ जाएगा। तो चलो जी, अब खाते हैं हम, देखते हैं कैसी बनी है ये चिकन टिक्का। तो चेक करते हैं, अभी हमारी बारी है, पहले बच्चों की बारी थी। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बनी है, आप भी बनाएं। ऐसी रेसिपी लगाना इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि टिक्के की रेसिपी अशरफ भाई ने बताई है। ऐसी रेसिपी लगा के आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं खुद आपको रेसिपी लगा के दे दूंगा और खिलाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।